अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। स्टूडेंट, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ये न्यूज़ कई दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल यहां पर हो रहा है कि यूपी की सभी पॉलिटेक्निक में 16 जून से होंगी पढ़ाई। क्या आपका कॉलेज 16 जून से खुलेगा? क्या ये न्यूज़ सत्य है या फिर न्यूज़ फेक है? सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने अदर भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूर ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे जो स्टूडेंट्स को मतलब ये न्यूज़ पता चला कि 16 जून से आपका कॉलेज खुलेगा, वे इस न्यूज़ से रूबरू हो सकें। चलिए हम चलते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, देन लास्ट में ही मैं इसकी एनालिसिस करूँगा इस खबर के बारे में। तो पहले हम इस खबर को पढ़ लेते हैं, खबर है क्या, कहाँ से प्रकाशित की गई है, उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे मतलब ये खबर फेक है या फिर रियल है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, कानपुर से ये खबर प्रकाशित है। ठीक है, कानपुर वरिष्ठ संवाददाता, यहाँ पर देख सकते हो, यूपी के सभी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 16 जून से शुरू होगी। प्रावधिक शिक्षा निदेशालय ने पूरा पढ़ाई परीक्षा और नए सेमेस्टर का शेड्यूल बनाकर शासन को भेज दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले आप इस खबर को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बाद में यानी कि लास्ट में वीडियो के बताएंगे क्या ये खबर सत्य है या फिर फेक है। अगर फेक है तो कहाँ से वायरल किया जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊँगा लाइव। ठीक है, चलिए पहले इस खबर को जान लेते हैं, कहाँ से ये खबर आई है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये फेक है या फिर रियल है। ठीक है, चलिए, स्वीकृति मिलते ही आगे का काम शुरू होगा। प्रावधिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि 16 से 10 जुलाई तक करीब तीन हफ्ते पढ़ाई बा प्रैक्टिकल कराया जाएगा। 11 से 20 जुलाई तक सेमेस्टर परीक्षाएँ कराई जाएंगी। अलग अलग पालियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके परीक्षाएं होंगी। ठीक है, और ये देख सकते हो आप लोग, किसी भी कीमत पर 31 जुलाई तक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 5 दिन यहां पर बैकअप के लिए कहे गए हैं, 5 दिन में बैकअप के लिए रखे गए हैं। अगस्त में नए छात्रों की काउंसलिंग हो जाएगी। और बात करें अभी तक ये खबर, सॉरी, 31 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। कुछ दिन छुट्टी करके 1 सितंबर से नया सत्र शुरू हो जाएगा, और ये सभी प्रधानाचार्यों को चर्चा में नया शेड्यूल तैयार किया गया है, और अब सिर्फ प्रस्ताव प्रमुख सचिव द्वारा प्रावधिक शिक्षा मंत्री की स्वीकृति का इंतजार है। तो ये आप जो मैंने आपको न्यूज़ बताया, ये न्यूज़ स्टूडेंट्स 2020 का न्यूज़ है, 2020 यानी कि पिछले साल का ये न्यूज़ है। ठीक है, यानी कि पिछले साल 2020 के जो स्टूडेंट थे उनका ये न्यूज़ है, और आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये 2021 के लिए कतई नहीं है। यहाँ पर तो आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि पिछली साल का जो नया सत्र चालू हुआ था, 2020 का यहाँ पर जो नया सत्र स्टार्ट हुआ था, उसमें 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट करने का वादा किया गया था, और आपका नया सत्र 1 सितंबर से शुरू होने का वादा किया गया था। और लेकिन मैं बता दूँ, वो आपका सत्र 18 शायद नवंबर में स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर उन्होंने सितंबर दे दिया, काउंसलिंग में बहुत टाइम लग गया था। तो ये पिछले साल का न्यूज़ है, क्या है भाई ये, यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है, ये पिछले साल का न्यूज़ है। ठीक है, और मैं कई सारे आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए, इन्होंने बोला है
कि 16 से 10 जुलाई तक यानी कि 3 हफ्ते, तो 16 जून से 10 जुलाई तक मतलब पढ़ाई कराने के लिए, प्रैक्टिकल कराने के लिए बोला है। लेकिन BTUP का जो नया सिलेबस है, नया टाइम टेबल है, उसमें ऐसा बताया गया है कि आप लोगों के एग्ज़ाम सितंबर में होंगे, ठीक है। तो ऐसा तो भाई यहाँ पर कतई पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है, इस तरीके से ये फेक प्रूव हो जाता है, फेक प्रूव हो जाता है। और ये न्यूज़ है कब का, ये ओल्ड न्यूज़ है, और मैं बता दूँ ये न्यूज़ 2020 का है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये न्यूज़ किस तरीके से, और ये वायरल कौन कर रहा था ये भी बताते हैं। देखिए जैसे ही कोई न्यूज़ आता है, ये पिछला न्यूज़ था 2020 का, तो लोग इसको कई ज़्यादा वायरल कर रहे थे, जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं वही इसको वायरल कर रहे थे, लोग इसको ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर मत कीजिएगा, और इस न्यूज़ के बारे में सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा कि ये न्यूज़ 2020 का न्यूज़ है, 2020 का न्यूज़ है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि ये न्यूज़ है वो 2020 का, इसको ज़्यादा ना फैलाइएगा। और आप लोगों का अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, हालांकि अभी आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा होगा, और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से एक बार मैं पुनः इसको थोड़ा जूम आउट करके लिखूंगा, मैं चाहूँगा इस तरीके से ये न्यूज़ फेक हो जाता है, और ये ओल्ड न्यूज़ है, ठीक है, ओल्ड न्यूज़ है, कब का है, 2020 का न्यूज़ है। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा वायरल ना कीजिए, हाँ इस वीडियो को वायरल कीजिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाना चाहिए कि ये न्यूज़ फेक है, ठीक है। 2020 के स्टूडेंट्स के लिए ये था, लेकिन 2021 के जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर अगर नहीं आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको लगातार इसी प्रकार की वीडियो, BTUP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियो और कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये न्यूज़ फेक वायरल हो रहा था और 2020 का ये न्यूज़ था, आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी जो भाई बहन मेरे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।